मैं सुधीर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल स्कोर मैक्स पर। और आज के इस सेशन में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं अल्टरनेटिव रूट्स टू डाइवर्सिफिकेशन, कि हमारे पास ऐसे कौन कौन से अल्टरनेटिव रूट्स होते हैं अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई करने के। सो स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन। तो जब बात करी जाती है कि हमारे पास अल्टरनेटिव रूट्स कौन से हैं डाइवर्सिफिकेशन के, तो हमारे पास यहाँ दो तरीके के रूट्स हैं। एक तो है एक्विजिशन एंड मर्जर का तरीका, जिसके थ्रू कि हम अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, और दूसरा होता है स्ट्रेटजिक पार्टनरिंग। दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के साथ स्ट्रेटजी के थ्रू पार्टनरशिप हम कर लेते हैं, जिसका बेनिफिट उठाकर हम अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई कर पाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हम यहाँ पर मर्जर एंड एक्विजिशंस की। तो ये दो वर्ड से मिलकर बना है, एक है मर्जर, दूसरा है एक्विजिशन, जिसे हम शॉर्ट में M&A भी कहते हैं। तो इन मर्जर टू और मोर ऑर्गेनाइजेशंस कंबाइन देयर ऑपरेशंस थ्रू एन एक्सचेंज ऑफ स्टॉक विद ओनली वन ऑर्गेनाइजेशन एंटिटी इवेंचुअली रिमेनिंग। तो मर्जर में कह रहे हैं एक ऑर्गेनाइजेशन ए है, एक ऑर्गेनाइजेशन बी है, ये दोनों अपने रिसोर्सिस को, असेट्स को कंबाइन कर किसी तीसरे ऑर्गेनाइजेशन को क्रिएट करते हैं, एक नई आइडेंटिटी बनाते हैं। तो ये तो कहलाता है मर्जर। बेसिकली यहाँ पर जो आपकी पुरानी आइडेंटिटी है वो खत्म हो जाती है और यहाँ से आप एक नई आइडेंटिटी को क्रिएट करते हैं। और दूसरा है एन एक्विजिशन। एक्विजिशन इन्वॉल्व्स वन ऑर्गेनाइजेशन परचेजिंग अनदर। इसमें आप ये रहेगा एक ए ऑर्गेनाइजेशन है, एक बी ऑर्गेनाइजेशन है, तो क्या करेगा ए परचेज कर लेगा बी ऑर्गेनाइजेशन को, और ये दोनों आगे जाकर कंबाइन क्या हो जाएंगे, ए। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो बी का एग्जिस्टेंस है वो खत्म हो जाएगा, और बी के जो भी रिसोर्सेज हैं, जो एसेट्स हैं, लायबिलिटीज हैं, वो सारी किसकी हो जाएंगी, ए की हो जाएंगी। बेसिकली यहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन से दूसरे ऑर्गेनाइजेशन को परचेज कर लेता है, तो ये कहलाता है आपका एक्विजिशन। मतलब आपने एक्वायर कर लिया है किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन की असेट्स को, उनकी लायबिलिटीज को, इन चीज़ों को। सो द टर्म्स मर्जर एंड एक्विजिशन आर यूज इंटरचेंजबली, बट देयर इज अ स्लाइटली डिस्टिंक्शन। इन मर्जर बोथ ऑर्गेनाइजेशन कंबाइन टू फॉर्म अ न्यू एंटिटी, वाइल इन एक्विजिशन वन ऑर्गेनाइजेशन टेक ओवर अनदर। तो इन दोनों में डिफरेंस एक ही है कि कहीं ना कहीं देखो, जब मर्जर की बात कर रहे हैं तो पुराने दो ऑर्गेनाइजेशन मिलकर एक नए ऑर्गेनाइजेशन को बनाते हैं, पुराने दोनों की उनकी आइडेंटिटी खत्म हो जाती है कहीं ना कहीं, ए बी खत्म होकर उन्होंने सी को क्रिएट करा। लेकिन जब हम बात करते हैं एक्विजिशन की, तो यहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन की आइडेंटिटी खत्म होती है, लेकिन दूसरा ऑर्गेनाइजेशन जो उसको परचेज करता है उसकी आइडेंटिटी रह जाती है। तो यहाँ पर एक आइडेंटिटी खत्म कर दूसरा ऑर्गेनाइजेशन उसको परचेज कर लेता है। तो ये था आपका मर्जर एंड एक्विजिशन। अब सेकेंड वन इज स्ट्रेटजिक पार्टनरिंग। सो स्ट्रेटजिक पार्टनरिंग इन्वॉल्व्स टू और मोर ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिशिंग अ रिलेशनशिप टू कंबाइन देयर रिसोर्सिस, देयर कैपेबिलिटीज एंड देयर कोर कॉम्पिटेंसीज टू अचीव अ स्पेसिफिक बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स। तो स्ट्रेटजिक पार्टनरिंग के अंदर हम बात करते हैं दो या दो से ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसे रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश करते हैं जिसके अंदर वो एक दूसरे के रिसोर्सेज को, कैपेबिलिटीज़ को, नेटवर्क को, उनकी कोर कॉम्पिटेंसीज को, इन सभी का यूज़ कर अपने स्पेसिफिक बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स को ईजिली अचीव कर पाएँ। तो ये होता है स्ट्रेटजिक पार्टनरिंग। बेसिकली यहाँ पर दो या दो से ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन अपने बीच में एक ऐसा रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कर लेते हैं जिसके थ्रू कि वो एक दूसरे के रिसोर्सेज, कैपेबिलिटीज, नेटवर्क, कोर कॉम्पिटेंसीज का यूज़ कर अपने ऑब्जेक्टिव्स को पूरा कर सकते हैं। तो इसके अंदर हमारे पास तीन तरीके की स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप होती हैं। पहली होती है जॉइंट वेंचर, दूसरी होती है लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, और तीसरी होती है स्ट्रेटजिक अलायंसेस। तो इन तीन तरीके की स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप का यूज़ कर बिजनेसेस अपने स्पेसिफिक गोल्स को अचीव करते हैं। तो वन बाय वन हम इन तीनों को देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जॉइंट वेंचर। सो इन अ जॉइंट वेंचर टू और मोर ऑर्गेनाइजेशंस क्रिएट अ सेपरेट इंडिपेंडेंट एंटिटी फॉर स्ट्रेटजिक पर्पसेस, ऑफन एम एट अचीविंग अ स्पेसिफिक मार्केट ऑब्जेक्टिव्स। तो बेसिकली यहाँ पर दो या दो से ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन मिलकर एक सेपरेट इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी क्रिएट करते हैं, जिनका कि उनकी पुरानी ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोई लेना देना नहीं होता।
ये कहीं ना कहीं एक स्पेसिफिक पर्पस को, स्ट्रेटजिक पर्पस को पूरा करने के लिए या किसी स्पेसिफिक मार्केट को अचीव करने के लिए, उसको कैप्चर करने के लिए इस तरह के वेंचर्स को बनाया जाता है। दीज पार्टनरशिप्स कैन बी टेम्परेरी और लॉन्ग टर्म एंड मे इन्वॉल्व क्रॉस बॉर्डर रिलेशनशिप। टिपिकली वन ऑर्गेनाइजेशन में परचेज अ परसेंटेज ऑफ द अदर्स पार्टनर स्टॉक्स बट नॉट अ कंट्रोलिंग शेयर। एग्जाम्पल, जैसे आपके कह सकते हैं रेलवे लाइन्स, रेलवे लाइन्स, आपके हाईवे या फिर आपके डैम्स, क्योंकि इनको प्रिपेयर करने में, इनको कंस्ट्रक्ट करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज की नीड होती है। तो कई बार क्या करते हैं, दो या दो से ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन मिलकर इनके टेंडर्स को ले लेते हैं और उस टाइम वो एक नई आइडेंटिटी क्रिएट कर लेते हैं जिसके थ्रू कि वो इन गोल्स को अचीव कर सकें, अपने इन सभी वर्क को कंप्लीट कर सकें। अब कई बार क्या होता है, कई बार तो सिर्फ शॉर्ट टाइम के लिए जॉइंट वेंचर बनाते हैं, जिसे उन्होंने बना लिया कि वो सिर्फ कोई हाईवे बनाना है। तो यहाँ पर क्या करा उन्होंने, चार फर्म, ए फर्म, बी, सी, डी, इन चारों ने अपने आप को फॉर्म किया एक नई फर्म में, फर्म का नाम रख दिया ई। तो जो ई फर्म है इसके अंदर ये चारों पार्टनर्स होंगे। ई फर्म क्यों बनाई गई है, वो सिर्फ उस हाईवे को कंप्लीट करने के लिए, उसकी कंस्ट्रक्शन को कंप्लीट करने के लिए बनाया गया जॉइंट वेंचर। जैसे ये हाईवे का काम कंप्लीट होगा, ये चारों अलग अलग पार्टीज अलग हो जाएंगी, ये जो ई आइडेंटिटी थी ये खत्म हो जाएगी। और कई बार ये जिनके जॉइंट वेंचर्स होते हैं लॉन्ग टर्म भी हो जाते हैं। कहीं ना कहीं मैं बात करता हूँ, मैं इंडिया के नॉर्थ को डील कर रहा हूँ, कोई दूसरी पार्टी साउथ को डील कर रही है, इसी तरह अलग अलग सबका ज्योग्राफिकल एरिया है या कह सकते हैं नेशंस है। तो अपने रिलेशन को, अपने मार्केट शेयर को, अपने नेटवर्क को बढ़ाने के लिए भी लॉन्ग टर्म में भी हम इन जॉइंट वेंचर्स को कर लेते हैं। बेसिकली यहाँ पर क्या होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के शेयर को परचेज कर लेती है, लेकिन कंट्रोलिंग राइट्स उस फर्म के दूसरे पर्सन के पास ही रहते हैं। मतलब कंट्रोलिंग राइट्स को छोड़कर वो सिर्फ उस ऑर्गेनाइजेशन का जो परसेंटेज होती है ओनरशिप की, उसको परचेज कर लेते हैं बस। तो बेसिकली जॉइंट वेंचर में हम बात करते हैं, दो या दो से ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन एक साथ कंबाइन होते हैं, एक सेपरेट और इंडिपेंडेंट एंटिटी को क्रिएट करते हैं जिसके थ्रू कि वो किसी स्पेसिफिक पर्पज़ को, स्ट्रेटजिक पर्पज़ को, या कह सकते हैं किसी स्पेसिफिक मार्केट के ऑब्जेक्टिव को अचीव करते हैं। ये आपका टेम्परेरी भी हो सकता है और लॉन्ग टर्म भी हो सकता है। बेसिकली इसके अंदर आपके क्रॉस बॉर्डर जॉइंट वेंचर्स ज़्यादा देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट आपका लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स। सो ऑर्गेनाइजेशंस एंटर इनटू लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट फॉर स्पेसिफिक बिजनेस पर्पसेस, ऑफन सीन इन अ बायर सप्लायर रिलेशनशिप। इसलिए जब आप कोई भी चीज का प्रोडक्ट का प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको रॉ मटेरियल वहां से चाहिए होता है। आपने कोई बिल्डिंग बनाई, कॉम्प्लेक्स बनाया, तो आप उसको लीज पर दोगे, तो वहां पर भी आप क्या करोगे, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स को एस्टैब्लिश कर लोगे एक ही बार में, कि जिसके थ्रू कि आपको फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना हो। अब मैं कोई मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूँ, अगर मुझे कोई सप्लायर मिल गया अच्छा, तो मैं ये नहीं चाहूँगा कि वो डे बाय डे अपने प्राइस को चेंज करता रहे या मेरे को आगे डिलीवरी ना दे प्रोडक्ट्स की जो मेरे को चाहिए रॉ मटेरियल के तौर पर। तो वहाँ पर हम दोनों ऑर्गेनाइजेशंस कहीं ना कहीं अपने बेनिफिट्स के लिए एक स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट को बना लेते हैं जो कि हमारे लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करता है। सो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स आर कंसीडर्ड मोर फ्लेक्सिबल एंड लेस रिस्ट्रिक्टिव देन वर्टिकल इंटीग्रेशन एंड दे आर इजियर टू टर्मिनेट इफ नीडेड। और इन कॉन्ट्रैक्ट्स को तोड़ा भी इसलिए जा सकता है, टर्मिनेट कर सकते हैं अगर हमें नीड रियलाइज होती है। तो बेसिकली हमारे बिजनेस के अंदर हमारे सप्लायर और बायर के जो रिलेशनशिप्स हैं उसके अंदर मोस्टली इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट को देखा जाता है। और ये हमारे काफ़ी फ्लेक्सिबल होते हैं कंपैरिजन टू वर्टिकल, क्योंकि वर्टिकल के अंदर हम बात करते हैं सभी डिपार्टमेंट, सारे ऑर्गेनाइजेशन को खुद ही हम डील करते हैं, उनको आपस में इंटीग्रेट करते हैं, तो वो इतना इजी नहीं होता। लेकिन जब आप लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जब आपने दूसरे से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, तो वो आपके बिहाफ पर आपके वर्क को प्रॉपर करेगा। मतलब कहीं ना कहीं आपको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, आप जो टेंशन होती है, आपको जो वर्क होता है वो रिड्यूस हो जाता है और आपका वर्क प्रॉपर होता रहता है। तो ये है आपका लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स। एंड लास्ट वन इज स्ट्रेटजिक अलायंसेस। सो इन अ स्ट्रेटजिक अलायंसेस ऑर्गेनाइजेशंस शेयर देयर रिसोर्सेज, capabilities or distinctive competencies to pursue a business purpose. These alliances tend to have a broader focus and longer duration compared to joint venture. They may aim for a global market dominance within a specific product category. सो स्ट्रेटजिक अलायंस के अंदर भी ऑर्गेनाइजेशंस अपने रिसोर्सेज को, कैपेबिलिटीज़ को, अपने कह सकते हैं जो कॉम्पिटेंसीज हैं, उनको शेयर करते हैं अपने बिजनेस पर्पस को पूरा करने के लिए। और बेसिकली जैसे जॉइंट वेंचर में होता है कि वहाँ भी दो या दो से ज़्यादा बिजनेस आपस में मिलकर एक नई आइडेंटिटी क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर ये आइडेंटिटी क्रिएट नहीं करते, लेकिन कहीं ना कहीं एक अलायंस बना लेते हैं जिसके थ्रू के मिलकर
अपने मार्केट शेयर को एक्सपेंड कर सकें, और कहीं ना कहीं का जो ड्यूरेशन होता है इसका वो कंपैरिजन आपके लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट या बात कर रहे हैं जॉइंट वेंचर उनसे बहुत ज़्यादा होता है। क्योंकि स्ट्रेटजिक अलायंस का हम बात इसलिए करते हैं कि यहाँ पर हम फोकस करते हैं कि किस तरह हम दूसरे की कैपेबिलिटीज़ का, दूसरे की रिसोर्सेज का, दूसरे की कोर कॉम्पिटेंसीज का यूज़ कर अपने प्रोडक्ट कैटेगरी के अंदर हम डोमिनेंस कर सकें। तो बेसिकली ये आपकी ग्लोबल मार्केट या इंटरनेशनल मार्केट के अंदर या फिर आपके एकदम टोटली डिफरेंट प्रोडक्ट के अंदर देखने को मिलती है। वाइल पार्टनर कॉपरेट विद इन द अलायंस दे मे कॉम्पीट फियर्सली इन अदर एरियाज ऑफ द बिजनेस। तो बेसिकली यहाँ पर एक नीतियाँ तैयार कर ली जाती है, एक रूल्स रेगुलेशंस बना लेते हैं हम, एक स्ट्रेटजी बना लेते हैं कि हाँ अगर मैं जैसे इंडिया की बात करता हूँ एग्जाम्पल, या चार पार्ट है ए बी सी डी, इंडिया के चार पार्ट है। अब यहाँ पर क्या है हमारे पास, चार प्रोडक्शन या कह सकते हैं चार ऑर्गेनाइजेशंस हैं। तो हम स्ट्रेटजी अपनी बना लेंगे कि एक पार्टनर सिर्फ एक ही जोन को रिकवर करेगा, मतलब उसके सर्विस उसकी प्रोडक्ट सिर्फ एक ही जोन में दी जाएंगी, ये नहीं कि वो चारों आपस में कम्पीट करेंगे। तो उन्होंने क्या करा, पूरी इंडिया की मार्केट को चार पार्ट में डिवाइड कर लिया और हर पार्ट को सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन डील करेगी। तो कहीं ना कहीं इनका जो कॉम्पिटिशन है वो खत्म हो जाएगा और एक एरिया के अंदर इजिली अपने काम को कर पा रहे हैं। इसी तरह इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर बात कर सकते हैं, दो कंट्री की कंपनीज हैं, एक इंडिया की है एक यूएसए की है। अब यूएसए की फर्म बोलेगी इंडिया से कि आप इंडिया में मेरे प्रोडक्ट को प्रमोट करो, सेल्स करो, मार्केटिंग कर दो, क्योंकि आप इंडिया में हो, आप उसको बेटर जानते हो। और इंडिया बोलेगी कि आप अपनी कंट्री में मेरे प्रोडक्ट को, मेरी सर्विसेज को, वहां पर ट्रांसपोर्ट की सर्विस, उनको लॉजिस्टिक, मार्केटिंग, एडवर्टाइजमेंट आप अपने हिसाब से करो। तो कहीं ना कहीं यहां से दोनों ऑर्गेनाइजेशन का बेनिफिट होता है कि दोनों एक स्ट्रेटजी बनाकर अपने बिजनेस को फ्यूचर में एक्सपेंड करिए लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन के लिए। तो ये होता है स्ट्रेटजिक अलायंस। बेसिकली यहाँ पर दो ऑर्गेनाइजेशंस अपने रिसोर्सेज को, अपने कैपेबिलिटीज को, अपने कह सकते हैं कोर कॉम्पिटेंसीज का यूज़ करते हैं, शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ, जिसके थ्रू कि अपने बिजनेस पर्पस को पूरा कर सके। लेकिन यहाँ पर ये कभी भी अपने नाम को चेंज नहीं करते, कोई नई आइडेंटिटी क्रिएट नहीं करते, जैसा कि आपका जॉइंट वेंचर क्रिएट करता है। तो ये थे आपके अल्टरनेटिव्स ऑफ डिफरेंशिएशन। दीज अल्टरनेटिव्स टू डाइवर्सिफिकेशंस allow organizations to expand into new line of business through different means depending on their strategic objectives and preferences। तो हमारे ये जो भी alternatives थे diversification के, ये organizations को allow करते हैं वो किस तरह एक new line of business के अंदर easily enter कर सकते हैं अपने strategic objectives of preference के according। M&A मतलब merger and acquisitions provide a way to acquire existing businesses, while strategic partnerships ऑफर कोलाबरेटिव अप्रोच टू अचीविंग डाइवर्सिफिकेशन गोल्स। अगर हम मर्जर एक्विजिशन की बात करते हैं तो ये हेल्प करता है कि हम किस तरह एक एग्जिस्टिंग बिजनेस को एक्वायर कर सकते हैं। और यहीं पर अगर हम बात करते हैं स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप की, तो वह एक कोलाबरेटिव अप्रोच है जिसके थ्रू कि हम दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज, उनकी टेक्नोलॉजी, उनकी स्किल्स, उनकी कोर कॉम्पिटेंसीज का यूज कर अपने स्पेसिफिक गोल को अचीव कर सकते हैं, अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई करते हैं। So the choice of the most suitable routes depend on factors such as nature of the industry, competitive landscape and the desired synergy between the organizations involved। तो बेसिकली हम किस रूट का यूज़ करेंगे, किस अल्टरनेटिव का यूज़ करेंगे, डिपेंड करता है कि हमारा किस तरीके की इंडस्ट्री है, कैसी हमारी मार्केट है, कितना कंपटीशन है, क्या शेयर है हमारा, और किस तरह की सिनर्जी हम देख रहे हैं कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन जो जो उसके अंदर इन्वॉल्व है, उनके पास क्या रिसोर्सेज हैं, क्या टेक्नोलॉजीज हैं, क्या उनके पास नेटवर्क है। ये सभी चीज़ों को देख कर ही हम डिपेंड करते हैं, सिलेक्शन करते हैं अपने डाइवर्सिफिकेशन के अल्टरनेटिव्स का। आई होप आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आप कोई इशू है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और अब आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं जल्दी ऐसी और वीडियोस और टॉपिक्स के साथ। सो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड विद स्कोर मैक्स।